बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड 5। दिस इज आवर यूनिट नंबर 4 अबाउट डेसिमल नंबर्स एंड परसेंटेजेस। दिस इज आवर लेसन नंबर 10। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द SLO डिवाइड अ 3 डिजिट नंबर अप टू 2 डिजिट 2 डेसिमल प्लेसेस बाय अ होल नंबर अप टू 2 डिजिट। सो बेसिकली हम लोगों ने जो प्रीवियस ग्रेड्स हैं और इस ग्रेड में होल नंबर्स में हमने ये सीखा था कि किस तरह होल नंबर्स को आपस में डिवाइड किया जाता है, वही मेथोडोलॉजी यहां पर यूज करेंगे। बट यहां पर हमारे पास इस लेसन में एक डेसिमल नंबर होगा, जो आपके पास डिविडेंड होगा वो डेसिमल होगा, जो डिवाइजर होगा वो होल नंबर होगा। सो आगे चलकर हम लोग इसको देखेंगे किस तरह आपने डिवाइड करना है। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। तो प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। ऑब्जर्व करें, हर स्टूडेंट ने इस स्टेटमेंट को गौर से देखना है, रीड करना है और फिर इसमें फाइंड करना है कि कौन सा ऑपरेटर यहां पर यूज होगा और हमें इसका जो रिक्वायर्ड फैक्ट्स हैं वो कैसे निकालने हैं। देखिए, अली एंड हिज फोर फ्रेंड्स पिक 40 एप्पल्स इन ऑल फ्रॉम द गार्डन। अली जो है अपने चार दोस्तों के साथ बाग में जाता है, वहां से 40 एप्पल्स जो है वो पिक करता है या दरख्तों से तोड़ लेता है। सो अब यहां पर तक हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड पोर्शन में आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स बताए हुए हैं, गिवन फैक्टर्स फर्स्ट स्टेटमेंट में है। सो हाउ मेनी एप्पल्स विल ईच वन गेट, मींस के हर बंदे के पास, हर दोस्त के साथ पास कितने एप्पल्स होंगे। इफ कंडीशन क्या है, इफ दे डिसाइडेड टू शेयर देम इक्वली, अगर वो सारे इक्वली आपस में शेयर करते हैं तो हर एक के पास कितने होंगे। सो वो आपने बताने हैं, इसको कैलकुलेट करें, कौन सी मेथोडोलॉजी आपने यूज करनी है, यूज इट एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर नोटबुक, देन शो योर नोटबुक टू योर टीचर। अब आ जाएं कीवर्ड्स की तरफ, या जो आज के जो कॉन्सेप्ट है, टुडेज कॉन्सेप्ट में ये चीजें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे, हम यूज करेंगे सिंपल वर्टिकल डिवीजन मेथड, डिवाइजर क्या होता है, अगेन हम देखेंगे कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है और डिविडेंड क्या है। इन सब को यूज करते हुए हम लोग डिवीजन को परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग सिंपल डिवीजन मेथड। अब आ जाएं एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल को आपने गौर से रीड करना है और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एक चीज याद रखें कि जब भी आपने कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो उसके लिए आप इन 4 स्टेप्स को याद रखेंगे। पहला स्टेप जो है वो रीड है, रीड द प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप रीड द प्रॉब्लम, सेकंड इज प्लान टू सॉल्व, थर्ड वन इज मेक अ सॉल्यूशन, फोर्थ वन इज चेक योर प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, रीड, प्लान टू सॉल्व, सॉल्यूशन एंड देन चेक योर सॉल्यूशन एट द एंड कि आपने ठीक किया है या गलत किया है। अब यहां पर देखें, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें और इसको फिर डिवाइड कर लें डिफरेंट पार्ट्स में। हर मेन बॉट 26 बनानास इन रुपीज 153.14। यहां तक आपके पास फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट का कंप्लीट हो जाता है। हरमीन ने 14 जो बनानास हैं वो परचेज किए, सॉरी 26 बनानास कितने में परचेज किए, 153.14 रुपीज में। सो अब यहां पर फाइंड क्या करना है, हाउ कैन शी फाइंड द प्राइस ऑफ वन बनाना। यहां पर मैक्सिमम बनानास की प्राइस गिवन है, वन बनाना की फाइंड करनी है। सो हम लोग मल्टीप्लीकेशन में क्या करते थे, अगर हमारे पास वन आइटम की वैल्यू गिवन थी और मैक्सिमम की फाइंड करनी होती थी तो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास मैक्सिमम आइटम्स की वैल्यू गिवन है, हमने वन आइटम की फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं इसके सॉल्यूशन की तरफ, गिवन फैक्ट्स राइट करें और प्लान करें कि कौन सी मेथोडोलॉजी आपने यूज करनी है।
हम लोग यहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, और मेथडोलॉजी कौन सी यूज करनी है, वही जो टेबल्स में हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था डिवीजन के लिए। सो डिवाइड विदाउट कंसीडरिंग द डेसिमल पॉइंट। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो नंबर है गिवन 153.14 इसको कंसीडर करेंगे, इसके दरमियान में कोई डेसिमल नहीं है, आप सिंपली होल नंबर्स की तरह इनको डिवाइड करें। ये आपके पास डिविडेंड डिवाइजर है और ये आपके पास कोशेंट है और ये आपके पास डिविडेंड है और जो बाकी बच जाता है वो रिमाइंडर है। अब यहां पर देखें कि 153 है, अगर 26 है तो 1 भी इससे लेस है, फिर हम लोग साथ वाला डिजिट मिलाते हैं 5 तो 15 बनता है, 15 भी 26 से लेस है, तो फिर हम लोग साथ वाला जो है वो डिजिट मिलाते हैं, तो आपके पास 153 को आपने डिवाइड करना है 26 के ऊपर। 26 का टेबल हम लोग 5 तक रीड करेंगे और 5 तक जब रीड किया तो वो बनता है 130। अब अगर हम लोग 6 तक रीड करते हैं तो वो ज्यादा बन जाता है, 153 से 156 बन जाता है, जो कि 3 नंबर्स ज्यादा है, सो इसलिए हम 130 तक रहेंगे और 5 तक आपने 26 का टेबल रीड करना है। सो जब हमने ये हमारे पास 130 आया, 130 को हमने 153 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया 23। सो अगेन 23 लेस है 26 से, हम लोग 7 जो है 1 वो नीचे ले आएंगे और अब हमारे पास बन गया 231। जब 231 बन गया तो अगेन आपने 8 तक जो है 26 का टेबल रीड करना है और रीड किया तो वो आपके पास उसकी वैल्यू बनी 208। और जब 208 को हमने सब्ट्रैक्ट किया 231 से तो अगेन हमारे पास 23 आया, तो अगेन 23 लेस है 26 से, हमने 7 से जो है वो नीचे ले आए 4 को। सो जब आपके पास यहां पर बन गया 234, अब जब हमने 26 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन गया 234, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास रिमाइंडर आ गया 0। सो आपने उस वक्त तक अपने डेसिमल को डिवाइड करना है जब तक आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप शुरू होता है उसमें आपने क्या करना है, आपने कोशेंट में डेसिमल पॉइंट पुट करना है। वो कैसे पुट करना है, आप डिविडेंड को देखें उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, यहां पर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं 0.14, सो 2 डिजिट्स हैं। क्वेश्चन में भी आपने राइट साइड से नंबर्स को 2 डिजिट्स छोड़ देने हैं जैसा कि यहां पर छोड़े हुए हैं, सो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा 5.89। सो ये आपके पास रिजल्ट बन गया, 2 डिजिट्स हमने यहां से राइट टू लेफ्ट मूव कर दिए, छोड़ दिए, सो 5.89 इज रिजल्ट। सो 5.89 इज द प्राइस ऑफ 1 बनाना, एक केले की जो प्राइस बनी वो 5.89 बन गई। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने अपने दूसरे जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करना है। अब आ जाए वर्कशीट के ऊपर, वर्कशीट में भी वही मेथडोलॉजी यूज करनी है जो कि मैंने एग्जाम्पल में बताई है। क्या करना है, डिविडेंड को राइट करें जैसा कि आपके पार्ट 1 में लिखा हुआ है 52.5 डिवाइडेड बाय 3, 3 जो है ये डिवाइजर है, तो 3 वन जार 3, 2 अगेन सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 2, 5 माइनस 3 2, सो 2 नीचे ले आए 7 से तो आपके पास बन गया 22, 22 जो है 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 22 के क्लोजेस्ट पॉसिबल नंबर आए, सो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बन जाएगा 21, सब्ट्रैक्ट किया इसको 22 को 22 में से 21 तो आपके पास 1 आ गया, 1 लेस है तो 7 से हम लोग 5 नीचे ले आए, तो 5 जो है ये हमारे पास 15 बन गया, 3 5 जार कितने होते हैं 15। अब क्वेश्चन में आपने चेक करना है कि डेसिमल पॉइंट कहां पे है, कितने डिजिट्स छोड़कर है, तो राइट साइड से हम लोग देखेंगे तो 1 डिजिट छोड़ा हुआ है,
तो इधर से भी हम लोग वन डिजिट छोड़ देंगे और डेसिमल पॉइंट क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो डिविडेंड में आपने देख लिया कि कितने डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो उतने ही डिजिट्स आपने ऊपर से राइट साइड से छोड़ देने हैं और डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है क्वेश्चन पे। सो रिजल्ट क्या बना, 17.5। इसी तरह आपने बाकी के सारे पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद ये वर्कशीट जो है अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं रैपअप की तरफ। आज के लेसन में हमने क्या करा देखा या क्या हम लोगों ने लर्न किया, हमारा आज का एसएलओ था डिवाइड अ थ्री डिजिट नंबर अप टू टू डेसिमल प्लेसेस बाय अ होल नंबर अप टू टू डिजिट्स। मींस के हम लोगों ने जो थ्री डिजिट नंबर था अप टू टू डेसिमल प्लेसेस उसको डिवाइड करना सीखा टू डिजिट नंबर के साथ, मैक्सिमम टू डिजिट नंबर के साथ होल नंबर। और अब आपने क्या करना है, अभी मैं चेक करता हूं कि आपको जो समझ आई है या नहीं आई। आप लोगों ने 6.25 को डिवाइड करना है 25 के ऊपर, क्विकली डिवाइड करना है, और हर स्टूडेंट ने डिवाइड करना है अपनी नोटबुक के ऊपर और अपने टीचर को शो करवाना है विद इन वन मिनट, डू इट। सो अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने होम एक्टिविटी ये आपकी बुक में गिवन है इसे कंप्लीट करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज आपकी 4A है उसका जो उसके फर्स्ट थ्री पार्ट्स आपने कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को अपनी नोटबुक जमा करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।